एक पंडित जी प्रतिदिन रानी को कथा सुनाने महल में जाया करते थे। कथा के अंत में प्रतिदिन कहते कि राम सुमर ले तो बंधन छूटे। कई दिन कथा सुनने के पश्चात एक दिन पिंजरे में बंद तोता बोला, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। उस समय तो पंडित जी मन मसोस कर रह गए और चुपचाप चले गए, परंतु अब तोता प्रतिदिन पंडित को झूठे कहकर संबोधित करने लगा। पंडित जी को मन में क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी। परेशान होकर पंडित जी अपने गुरु के पास गए, गुरु जी को सब हाल बताया। गुरु जी अगले दिन पंडित के साथ स्वयं कथा करने गए और एकांत में तोते के पास जाकर पूछा, तुम पंडित को झूठा क्यों कहते हो? तोते ने कहा, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में जा बैठा जहां सब साधु संत राम 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 बोल रहे थे। वहां बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया। फिर मुझे दो चार श्लोक सिखाए। आश्रम में एक सेठ ने संत को भारी दान दक्षिणा दी। संत ने आशीर्वाद स्वरूप सेठ को मुझे सौंप दिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। मेरा बंधन बढ़ता गया। अब मैं स्वच्छ वायु और ताजा फलों के लिए भी तरसने लगा। निकलने की कोई संभावना न रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए उपहार स्वरूप मुझे राजा को दे दिया। राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया, क्योंकि मैं राम राम और श्लोक बोलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की है तो राजा ने मुझे रानी को दे दिया। रानी ने सोने का पिंजरा बनवा दिया और खाने में हमेशा मेवे और अन्य कीमती भोज्य पदार्थ ही मिलते हैं। मिर्च खाना, पेड़ पर लटके फलों में चोंच मारकर स्वाद लेना तो मैं भूल ही गया हूँ। अपनी मर्जी से चहकना भूल गया हूँ। अब मैं कैसे कहूं कि राम राम कहें तो बंधन छूटे। तोते ने गुरुजी से कहा, आप ही कोई युक्ति बताएं जिससे मेरा बंधन छूट जाए। गुरुजी बोले, आज तुम खाकर थोड़ी देर बाद चुपचाप पड़ जाओ, हिलना भी नहीं। हिलाया जाए तो भी मरणासन्न अवस्था में पड़े रहना। तोते ने ऐसा ही किया। रानी ने पिंजरा खोलकर खूब हिलाया डुलाया। थोड़ी देर बाद रानी ने सेवकों से कहा, ये तोता मर गया है, इसे बाग में गड्ढा खोदकर दबा दो। जैसे ही तोते को लेकर सेवक बाग में पहुंचे, तोता फुर्र से उड़ गया। तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शास्त्र कितना भी पढ़ लो, कितना भी जाप कर लो, लेकिन सच्चे गुरु जब तक रास्ता ना बताएं, तब तक मुक्ति पाना संभव नहीं है।